मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे देख लो कि मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, टीवी बिल्कुल पीछे रखा हुआ है, और देखते हैं अब क्या होता है। ये उठाया मैंने अपना फ़ोन, होम बटन को प्रेस किया गूगल को एक्टिवेट करने के लिए। मेरा टीवी चालू करो। जरूर टीवी चालू कर रही हूँ। ओके, ये देखो पीछे हुआ कुछ और ये हो गया टीवी चालू। चलो आपको यकीन नहीं हुआ तो एक काम और करके दिखाता हूँ। मैंने टीवी को चालू किया था एक एंड्रॉइड फोन से, टीवी को बंद करता हूँ मैं अपने आईफोन से। तो ये मेरे पास एप्पल का डिवाइस है, आईफोन है। यहाँ पे मैं गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करता हूँ। मेरा टीवी बंद कर दो। जरूर टीवी बंद कर रही हूँ। और पीछे टीवी हो गया बंद। तो कैसा था जादू? तो भाई ये कमाल करने के लिए, जादू करने के लिए आपको चाहिए दो चीज, एक तो आपका मोबाइल फोन और दूसरा जेब में कुछ पैसे जिससे आप खरीद पाओ ये विप्रो का एक स्मार्ट प्लग। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ऊपर आ गया लिंक। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है भाई, ये डिवाइस खरीद के आप किसी भी चीज को स्मार्ट बना सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो कि मेरा जो टीवी का सॉकेट है वहां पे मैंने इस स्मार्ट प्लग को प्लग किया हुआ है। अब यहाँ पे टेक्निकली इस प्लग को कंट्रोल करने के लिए आपके पास होनी चाहिए तीन चीज में पहली चीज मैंने आपको बता दी थी कि वो होना चाहिए आपके पास विप्रो का स्मार्ट रिमोट। तो ये बेसिकली मेरे पास स्मार्ट रिमोट है। इसके अंदर देखो मेरा विप्रो का 10 एम्पीयर का वाईफाई स्मार्ट प्लग यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ चालू तो यहाँ पे मेरे को सारे ऑप्शन दिखते हैं कि भाई यहाँ पे पावर ऑन पावर ऑफ यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो ये तो होगा मैनुअल करना, कि मतलब आप बैठे हो कहीं भी और यहाँ से आप टोन टोन टॉन कर लो, टीवी ऑन ऑफ कर लो या कोई भी डिवाइस ऑन ऑफ कर लो। मजा कब आएगा? जब ये स्मार्ट डिवाइस आपके फोन के इंटरनल सिस्टम से कनेक्ट हो जाए, या फिर गूगल असिस्टेंट या फिर अलेक्सा इन सब से कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे आप अपने वॉइस कमांड के थ्रू इस सबको कंट्रोल कर सकते हो। तो भाई दूसरी चीज आती है कि इसको मुझे एप्लीकेशन के थ्रू नहीं, इसको मुझे स्मार्ट तरीके से यूज करना है। तो भाई उसके लिए आपको चाहिए दो एप्लीकेशन। एक तो है अगर आपके पास मतलब एंड्रॉइड फोन नहीं है, एप्पल फोन है, तो यहाँ पर दो एप्लीकेशन चाहिए। अगर एंड्रॉइड फोन है तो फिर आपको सिर्फ गूगल होम का एप्लीकेशन चाहिए, असिस्टेंट तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। तो देखो गूगल होम का ये इंटरफेस आएगा ऐसा कुछ, यहाँ पे बोलेगा वेलकम होम, आपको करना है गेट स्टार्टेड। यहाँ पे भाई आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी जिससे मैं इस डिवाइस को रजिस्टर करना चाहता हूँ। उसके बाद बात आती है कि भाई आप यहाँ पे एक होम क्रिएट करो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं होम क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट। होम का नाम है डेमो होम। तो भाई ये मेरा एक होम क्रिएट हो गया, अब इसके अंदर मैं सारी चीजें करूंगा। तो भाई उसके बाद आता है कि आपका जो विप्रो का डिवाइस है उसको गूगल के साथ कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रांड है, विप्रो अलग कंपनी है, गूगल अपनी अलग कंपनी है। तो भाई देखो आपको करना है कि यहाँ पे जाना, आपको एड पे, एड पे जाने के बाद आपको दो तीन ऑप्शन आते हैं, दो तीन यहाँ पे छह ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको जाना है सेटअप डिवाइस में। सेटअप डिवाइस में देखो आपको नीचे आएगा वर्क्स विद गूगल, मतलब थर्ड पार्टी डिवाइस जो गूगल के साथ काम करते हैं उनको कनेक्ट करना है। तो आप नीचे वाला वर्क्स विद गूगल को टच करो। तो ये हमने टच, यहाँ पे देखो जितनी भी सर्विसेज हैं बाकी आईओटी कंपनीज की वो सारी यहाँ पे आ गई, और मतलब बहुत ज्यादा है स्क्रॉल करते करते, इतना सर्च करने का टाइम है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सर्च कर लेते हैं। तो हमारा जो डिवाइस था वो था विप्रो की तरफ से, तो ये मैंने लिख दिया भाई विप्रो, और विप्रो की तरफ से जो भी आ गया। तो यहाँ पे विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम, ये देखो आप इसका जो लोगो है ना ये बिल्कुल कुछ कुछ ऐसा है देखो यहाँ पे जो हमने देखा था। तो बिल्कुल यहाँ चलते हैं विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम में, और यहाँ पे देखो ये डिवाइस को लिंक करता है। तो लिंक करने के लिए क्या है कि यहाँ पे आपको अपना जो विप्रो का ईमेल आईडी और पासवर्ड था उसके थ्रू आपको इसको परमिशन देनी होगी। तो यहाँ पे आपको कंट्री और रीजन सेलेक्ट करना है। तो भाई इंडिया कहाँ गया, ये रहा इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने डाल दिया अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पे डालना है आपको आपका पासवर्ड, यहाँ पे करना है आपको लिंक नाउ। और लिंक नाउ करते ही देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई विप्रो जो है वो गूगल को परमिशन देना चाहता है आपकी प्रोफाइल के बारे में, तो इसे कर दो आप ऑथराइज। और इसके बाद ऑथराइज होते ही जो भी आपके विप्रो के स्मार्ट डिवाइसेज हैं वो यहाँ पे गूगल के अंदर लिंक हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे लिखा आ गया कि भाई लिंक हो चुका है, और यहाँ पे देखो आपका डिवाइस आ गया। तो इस डिवाइस को जो हमने दिखाया था पहले विप्रो का 10 एम्पीयर का प्लग वो यहाँ पे आ गया, इसको करते हैं नेक्स्ट, और इसको हम डेमो होम लिंक कर देते हैं। और डेमो होम जो है वो है हमारा भाई लिविंग रूम, तो ये रहा लिविंग रूम, और ये कर दिया ओके। अब इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे टेस्ट। देखो उसके बाद बात आती है कि आपको इसे वॉइस कमांड से कैसे यूज करना है। तो आपको क्या करना होगा, इसका नाम देखो यहाँ पे विप्रो 10 एम्पीयर वाईफाई स्मार्ट प्लग, बहुत लंबा नाम है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाके इसके नाम को चेंज करना है। तो यहाँ पे नाम में जाके आप इसका नाम रख दो भाई सिंपल टीवी। तो ये हमने टीवी डन कर दिया और ये कर दिया सेव। तो हमारे डिवाइस का नाम हो गया टीवी। अब हम गूगल को जब भी बोलेंगे कि भाई हमारे लिए ये काम करो, तो वो हमारे लिए वो काम करेगा। मेरा टीवी चालू करो। जरूर टीवी चालू कर रही हूँ। ये भाई यहाँ पे हो गया टीवी चालू। मेरा टीवी बंद कर दो। ठीक है, टीवी बंद कर रही हूँ। टर्न ऑन माई टीवी। श्योर, टर्निंग ऑन द टीवी। टर्न ऑफ माई टीवी।
Sure, turning the TV off. तो भाई कैसी लगी वीडियो? कुछ नहीं करना, एक छोटा सा डिवाइस खरीदना है, मोबाइल फोन तो सबके पास है, और ये थोड़ी मोड़ी सेटिंग्स करनी है आपको। और यहाँ पे आप अपने किसी भी डिवाइस को, यहाँ पे मैंने आपको टीवी के साथ करके दिखाया, टीवी नहीं, आप किसी भी डिवाइस को, किसी भी रैंडम डिवाइस को आप स्मार्ट बना सकते हो सिंपल इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको यार वीडियो काफी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी, चीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को यहाँ पे करते ही खत्म। आगे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।